हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर गौरव साहू कॉर्पोरेट ट्रेनर आज आपका लाइव सेशन लेने वाला हूँ। जो हमारे साथ नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए, मैं आपको दो मिनट का टाइम देता हूँ। और जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाई सिविल गुरु जी में हम एवरी डे 6 बजे मंडे टू सैटरडे आपके लिए लाइव सेशंस लेकर आते हैं। हर वीक का हमारा एक नया टॉपिक रहता है, हमारा हाईवे से रिलेटेड, साथ ही साथ हमारा ब्रिज से रिलेटेड हर वीक का एक टॉपिक रहता है। फर्स्ट वीक में हमने आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस लेकर आए थे जिसमें हमने आपको बताया था हाईवे से रिलेटेड, ब्रिज से रिलेटेड और टेस्ट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडस्ट्री में जब आप जॉब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। सेकेंड वीक में हमने बात करी थी कलवर्ट्स के बारे में, कितने टाइप के कलवर्ट्स होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये सब हमने जाना था। इस वीक का हमारा टॉपिक रहेगा कि लैब टेस्ट क्या क्या होते हैं, ब्रिज एंड हाईवे से रिलेटेड जो हमारे मटेरियल्स हैं उसमें क्या क्या लैब टेस्ट होते हैं। इस चैनल पर आपके लिए जो कंटेंट लेकर आएंगे वो है चेतन सर, मैं इंजीनियर गौरव साहू, साथ ही साथ हमारे विवेक सर और टिकेश सर जो है हमारे वो लैब टेस्ट की वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, लाइव सेशंस लेकर आते रहेंगे। तो रोज 6 बजे हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करने से पहले मैं देखना चाहूंगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो मुझे एक हाय करके हमारे चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर लाइक करिए या सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखते कितने लोग जुड़े हैं। हमारे साथ टोटल 7 लोग जुड़ चुके हैं जिसमें से एक है कुमार सुंदरम जी। सर एक सवाल है कि बिटुमिन कंक्रीट का तापमान कितना होना चाहिए प्लांट से निकलते समय, लेइंग के समय और रोलिंग के समय। तो देखिए सर, चलो इसका जवाब मैं पहले, रुपेश दहारिया जी बोल रहे हाय सर, ठीक है, हाय सर, हाय रुपेश जी, ठीक है सुंदरम जी। तो हमारा जो टेम्परेचर रहता है जनरली रेंज करता है 150 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हमारा लेइंग टेम्परेचर 150 से 190 के बीच है तो उसे हम ले करेंगे, ले करने के बाद हम उस पर वाइब्रेटरी रोलर या प्लेन रोलर चलाएंगे, ठीक है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी 5 लोग जुड़े हुए, एक ने हाय बोला, एक का क्वेश्चन आया है, तो और भी लोग हैं तो मुझे एटलीस्ट हाय बोल के अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। मुझे बताइए कि आप जुड़े हुए और ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डक्टिलिटी टेस्ट बिटुमिन का। हमने ऑलरेडी 2 टेस्ट के बारे में बात कर लिया, एक तो हमने पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में बात किया था पिछली बार, और उसके पहले हमने सैटरडे को जो मेरा लाइव था उस पर हमने बात किया था फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट के बारे में। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो पीछे हर लाइव हमारा अपलोड होता है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। लाइव के सेक्शन में आपको कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट लाइव सेशन विद डिटेल आपको मिल जाएगा। प्रकाश जी बोल रहे हाय सर, कुमार सुंदरम बोल रहे ओके सर, चलो स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करते हैं। तो 3D मॉडल की मदद से समझेंगे, आपको विजुअलाइज करने के लिए भी बहुत आसानी होगा, आपको समझने के लिए आसानी होगा, मुझे समझाने के लिए भी आसानी होगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये 3D मॉडल का एक्सेस मिले और इसके साथ साथ ब्रिज से रिलेटेड जो हमारे 3D मॉडल्स है और हमारा पिछला जितना हमने टेस्ट परफॉर्म किया उसका भी 3D मॉडल अगर आप चाहते हैं तो मुझे जल्दी से भाई चैट पे बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। रुपेश धारिया जी बोल रहे यस कंटिन्यू, ठीक है। तो मेरा ये खत्म होते तक आप मुझे बताइए कि आपको 3D मॉडल चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगर हाँ बोलोगे तो मैं इसे प्रोवाइड करूंगा, प्रोसेस बताऊंगा कैसे मिल सकता है। तो शुरू करते हैं हमारा डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में। डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि भाई डक्टिलिटी जो वर्ड है, डक्टिलिटी का टेस्ट हमने काफी चीजों में करते हैं, बट हमारा हाईवे से रिलेटेड एक मटेरियल है जिसपे हम स्पेशली करते हैं वो है बिटुमिन। बिटुमिन आपको जैसे पता है जिसे हम डामर कहते हैं, इलास्टिक रहता है, खिंचावपन रहता है उसमें, वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो खिंचाव भी झेलता है, तो इसलिए हम इसका डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं। डक्टिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं ये हम आखिरी में बात करेंगे, क्या इसका पर्पस रहता है, क्यों इसे किया जाता है और हमारी इंडस्ट्री में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे और लास्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपैरेटस क्या क्या यूज होते हैं, टूल्स क्या क्या होते हैं, अपैरेटस क्या क्या होते हैं, हमें क्या क्या लगेगा प्रोसीजर। और एक मैं आपको टिप देना चाहूंगा, जो मैं आपको टेम्परेचर्स बता रहा हूं, जो मैं आपको न्यूमेरिकल वर्ड्स बता रहा हूं, मैथमेटिकल वर्ड्स बता रहा हूं, टेम्परेचर्स बता रहा हूं या इलोंगेशन बता रहा हूं, ये सारी चीजों को आपको बाय हार्ट समझना है। देखिए
प्रोसेस तो आप समझ जाएंगे, करते कैसे ये प्रोसेस समझना बहुत आसान है, बट जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई वो पूछेगा, जैसे कि सुंदरम जी ने पूछा था कि टेम्परेचर कितना होता है, लेइंग टेम्परेचर कितना होता है हमारे बिटुमेन का, ठीक उसी तरह जो मैंने आपको बताया 150 टू 190 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 150 190, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसमें भी जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर आएंगे वो आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस तो आप समझेंगे, आप एक बार में समझ जाएंगे, और नहीं समझे तो ये 3D मॉडल खुद भी यूज करके समझ सकेंगे, बट उस वैल्यू को याद रखना है। अगर आपको समझ आया होगा तो मुझे चैट पे लिखकर बताइए, मुझे रिस्पॉन्ड करिए, ताकि मुझे समझ आएगा कि आपको भी समझ आ रहा है, आप कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पैरेटस के बारे में, क्या क्या पैरेटस, क्या क्या मटेरियल लगने वाला है। तो सबसे पहले तो बिटुमिन लगेगा, डामर लगेगा हमको, क्यों, हम उसी का टेस्ट कर रहे हैं, तो बिटुमिन तो लगेगा ही लगेगा। बिटुमिन के बाद हमें क्या लगेगा, वेइंग मशीन लगेगा। वेइंग मशीन का क्या काम है, बिटुमिन को वे करके उसके बाद उसे मेल्ट करना है हमें, तो वेइंग मशीन लगेगा ताकि हम उसका वेट वजन नाप सकें, ठीक है। वेइंग मशीन के बाद क्या लगेगा हमारा, एक हीटर लगेगा। हीटर का भी अपना पर्पस है, हीटर का पर्पस है कि भाई बिटुमिन तो हमारा रॉ फॉर्म में सॉलिड स्टेट में आता है, तो उसे मेल्ट करने का काम करेगा हमारा हीटर। इसके बाद में हमारा ब्रास का जो मोल्ड आता है, जिसे हम कहते हैं ब्रिकेट मोल्ड, ये कुछ इस शेप का रहता है, आपको और अच्छे से मैं समझाता हूं, ये होता है हमारा ब्रास का बना हुआ मोल्ड, जिसे हम ब्रिकेट मोल्ड कहते हैं। तो ब्रिकेट मोल्ड होता कैसे, अब यहां पे आप ऐसे देख रहे हैं, यहां से ये ऐसा, मतलब यहां से ये चौड़ा रहता है, यहां से चौड़ा रहता है, फिर ऐसा कुछ होके ऐसा शेप का बन जाता है, मतलब यहाँ पे ये चौड़ा है, यहाँ से चौड़ा है, यहाँ से चौड़ा है, यहाँ से आपका पतला है, जहाँ पे हमारा इलोंगेशन होने वाला है वहाँ से पतला रहेगा, यहाँ यहाँ से मोटा रहेगा, तो ऐसा कुछ मोल्ड रहेगा जो कि ब्रास का बना रहेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रिकेट मोल्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो यहाँ पे लगा हुआ है आपको दिख रहा है, 3 स्क्रू है दोनों तरफ, यहाँ पे भी ये, यहां से इसको ओपन करने के लिए रहता है, ताकि जब हम इसे मोल्डिंग करें तो इसके अंदर जो हमने बिटुमिन का शेप जो हमने डाला था इस मोल्ड में, वो हम बाहर निकाल सके, ठीक है। तो ये यहां से ओपन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपको वन वर्ड में याद रखना, इस स्टेप में क्या होता है, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज। ब्रिकेट मोल्ड हो गया, वाटर बाथ का क्या यूज रहेगा, हमने पिछली जो हमारा पेनेट्रेशन टेस्ट था, जो हमारा बिटुमिन का मोस्टली जो टेस्ट रहता है, उसमें वाटर बाथ का काम रहता है, तो पिछले टेस्ट में भी हमने जाना था वाटर बाथ का, उसमें भी हमने यूज़ किया था, क्यों यूज़ किया था वो सब हम आगे जानेंगे। तो ये है हमारी डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन, यही मशीन। तो इतने मटेरियल हमें लगने वाले, इतने अपैरेटस हमें लगेंगे यूज़ करने के लिए, ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो ये डक्टिलिटी मशीन है, तो इसका प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर हम आगे जानेंगे, पहले स्टेप वन देख लेते हैं। तो स्टेप वन में जो हमारा सबसे पहला हमें लेना है, वो है हमें ग्लिसरीन लेना है। ग्लिसरीन यहां पे हमने ले लिया स्टेप वन में। स्टेप वन के बाद में हमें डेक्सट्रिन डालना है, मतलब कि एक प्लेट में हमने पहले ग्लिसरीन डाला, उसके बाद डेक्सट्रिन डाला, अब दोनों को मिक्स करेंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। होमोजीनियस का मतलब क्या, मतलब एक समान मिक्सचर, दोनों को मिक्स करके एक समान मिक्सचर बनाएंगे, जिससे कि वो एक पेस्ट जैसा बन जाए। अब इसका काम क्या है, ग्लिसरीन तो आपको पता है, ग्लिसरीन आपने सुना है एक फिसलन वाला पदार्थ रहता है, जो कि मतलब ये तेल नुमा पदार्थ रहता है, जिससे कि ये मोल्ड में जब हम लगाएंगे, मोल्ड में अगर हमने नहीं लगाया इसको, ये पेस्ट नहीं लगाया, तो उससे बाहर निकालने में काफ़ी मुश्किल होगी ये, क्योंकि एक तेल नुमा पदार्थ रहता है, तो वो निकलने में, मोल्ड से डीमोल्डिंग करने में हमें मदद करेगा, आसानी करेगा। अब स्टेप फोर में चलते, जो हमारा मोल्ड मैंने आपको बताया था अलग अलग पार्ट्स में निकल जाता है, डिसअसेंबल हो जाता है, ठीक उसी तरह स्टेप फोर में हमारा जितना भी पार्ट मूवेबल था, जितना डिसअसेंबल हो सकता था, वो हमने डिसअसेंबल कर लिया। डिसअसेंबल क्यों किया, क्योंकि हमने जो अभी डेक्सट्रिन और ग्लिसरीन का मिक्सचर लगाया था, जो पेस्ट लगाया था, वो यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है, ये हमने लगा लिया। उसके बाद में स्टेप फाइव में हमने पूरी तरीके से इसे लगा लिया। स्टेप सिक्स में हमें उसे वापस से असेंबल करना है, जो हमने मोल्ड डिसअसेंबल कर लिया था उसे वापस से असेंबल करेंगे। एकदम सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। पहले हमने मोल्ड लिया, मोल्ड में डेक्सट्रिन और ग्लिसरीन का मिक्सचर हमने अप्लाई कर दिया, क्यों लगाया वो भी मैंने आपको बताया। स्टेप सेवन में क्या करेंगे, ये जो हमारा बिटुमिन है जिसका हमें टेस्टिंग करनी, जो रॉ बिटुमिन आया है,
उसे हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट इस तरीके से करना है कि एक बार 75 डिग्री टू 105 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उस बीच में आपका बिटुमिन मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से क्या होगा, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके बिटुमिन कुछ हार्ड सब्सटेंस है, थोड़ा सा कुछ डस्ट है या कुछ भी, तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ सब्सटेंस है, तो पहले अगर आपको उसको निकालना है तो 300 माइक्रोन के IS सीव से उसे पास करना पड़ेगा। जब आप पास करेंगे तो वो आपका निकल जाएगा और प्योर जो फॉर्म में आपका बिटुमिन है वो आपको मिल जाएगा। ये तभी करना है अगर आपको लग रहा है कि आपके बिटुमिन में इम्प्योरिटीज़ है। अगर इम्प्योरिटीज़ नहीं है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसे हमें मेल्ट करने के बाद, जो हमें हीटर की मदद से हमने बिटुमिन मेल्ट किया, उसके बाद हम इसे मोल्डिंग करेंगे। स्टेप 8 में हमें इसे मोल्ड में डालना है। मोल्ड में ग्लिसरीन हमने ऑलरेडी लगा दिया था, अब मोल्ड में हमने डाला। क्यों? क्योंकि हमको ये शेप चाहिए, ये शेप हमें चाहिए, ये टेस्ट के लिए ये शेप इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये शेप हमें चाहिए ताकि इस तरफ से भी क्लैंप हो जाए, इस तरफ से भी क्लैंप हो जाए, इसलिए इसे ऐसा बनाया गया ताकि हमें यहां से इसका इलोंगेशन पता चल जाए। नेक्स्ट स्टेप आया हमारा वाटर बाथ। पिछली भी जो हमने लाइव लिया था, जो हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट था, उसमें भी वाटर बाथ किया था हमने। ठीक इसी तरह जब हमने उसे सिलेंडर में मोल्ड किया था तो हमने वाटर बाथ में डाला था, ठीक इसे भी वाटर बाथ में डालना है। बट वाटर बाथ में डालने से पहले इसमें जो नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने मोल्डिंग कर ली, मोल्डिंग करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर में एटलीस्ट 30 मिनट से 1 घंटे तक आपको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देना है, कूल डाउन होने देना है। कूल डाउन होने के बाद में ये आपका स्टेप आएगा वाटर बाथ में करने का। मैं कमेंट्स देख लूँ क्या पहले, और भी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। रुपेश डहारिया, यस कंटिन्यू। रुपेश डहारिया जी बोल रहे हैं यस चाहिए सर। कुमार सुंदरम जी बोल रहे हैं बेशक चाहिए सर। नमस्ते माय डियर सर जी, नमस्ते सर जी आपको भी। चलो कंटिन्यू करते हैं, मिलेगा मिलेगा, आखिरी में मैं बताऊँगा कैसे मिलेगा ये। ओके, वाटर बाथ में पहले हमने रूम टेम्परेचर में ठंडा किया, 30 मिनट से 1 घंटे तक हमें इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा किया। रूम टेम्परेचर में ठंडा हो गया, उसके बाद वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है रूम टेम्परेचर वाला, उसके बाद में हमें इसे वाटर बाथ में डालना है। वाटर बाथ में डालने के बाद क्या करना है, अप टू 30 से 40 मिनट्स हमें इसे वाटर बाथ में रखना है। क्या ये कोई भी मामूली वाटर बाथ है? नहीं, ये जो अपैरेटस है इस पर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो वाटर का टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है। देखो बारीकी में जो रहता है, जो डिटेल में आपको जो दिक्कत आती है, डिटेल में पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई मेरे को पूरा प्रोसेस बता दो लैब टेस्टिंग का, वो आपको तो जानना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। बट अगर वो आपको पूछ लिया कि भाई वाटर बात करें, वाटर का टेम्परेचर कितना रखना है, कैसे मेंटेन करोगे, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वाटर बात है, इसमें टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको इस वाटर बाथ का टेम्परेचर मेंटेन करना है। उसके बाद में इसे आप कितने देर तक, 30 से 40 मिनट्स इसके अंदर रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 10, जो हमारा मेन अपैरेटस है, मेन जो हमारी मशीन है टेस्टिंग की, ये आती है कि अब हमने मोल्ड तो ले आया हमने। अब एक चीज आपको डिफरेंस दिख रही होगी मोल्ड में कि भाई यहां जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेड कर देता हूं, आपको क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, यहां का पोर्शन आपको अब नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने स्क्रू से हटा दिया, हमें तो सिर्फ इतने पार्ट की ही जरूरत थी, इतने पार्ट की जरूरत थी। हमने कौन सा पार्ट हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि अब ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो हमें कहां का इलोंगेशन चाहिए, ये वाली एरिया का, ये वाली जगह का हमें इलोंगेशन चाहिए। यहां से ही खिंचाव होगा, यहां से ही तनाव बनेगा, ये हो गया। ठीक है, ये पार्ट निकलेगा आपका। देखो यहां पे लिखा भी है स्टेप 10 में, रिमूव द साइड्स ऑफ द मोल्ड, हुक द क्लिप्स केयरफुली ऑन द मशीन विदाउट कॉजिंग एनी इनिशियल स्ट्रेन, एडजस्ट द पॉइंटर टू रीड जीरो। ठीक है, जो मैंने बोला वही ये भी बोल रहा है कि भाई आपको इसके साइड्स निकाल लेने, उसके बाद अच्छी तरीके से उसे एडजस्ट करना है, मशीन में फिक्स करना है ताकि इलोंगेशन चालू कर सके। इसके पहले आपका एक और स्टेप आता है जो ध्यान देने वाली चीज़ है, इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इसे मोल्डिंग करेंगे, जब आप ठंडा कर लेंगे, वाटर बाथ कर लेंगे, तो आपको ट्रिमिंग भी करनी रहती। ट्रिमिंग मतलब अगर यहाँ पे एक्सेस आ गया, अगर इसका मोटाई काफ़ी ज़्यादा हो गया, आपके मोल्ड से ऊपर आ गया,
तो उस केस में आपको उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। ट्रिमिंग कैसे करेंगे, आपको एक शार्प ब्लेड लेना है और उसको इसके लेवल में ट्रिमिंग करके जो एक्स्ट्रा बिटुमिन है वो आपको बाहर निकाल लेना है। ये हो गया हमारा, ये एक स्टेप है, ये छोटी छोटी डिटेल है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। कोई न्यू कमेंट नहीं आया, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, मैं एंड में देखूंगा कितने लाइक्स आए। तो ये तो हमारा स्टेप 10 हो गया। अब इसके बाद हम जब मशीन स्टार्ट करेंगे तो इलोंगेशन स्टार्ट होगी इसकी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हमारा इलोंगेशन स्टार्ट हो गया। स्टेप 11 में देखेंगे कि यहाँ पे खिंचाव स्टार्ट हो गया है, ये खिंचता जाएगा। अब इसमें फिर से मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने वाली चीज़ कि कितना खिंचाव करना है, कितने टाइम के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। स्टार्ट द मशीन एंड पुल हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 50 mm पर मिनट, मतलब कि हर मिनट में ये 50 mm खींचना चाहिए, ये कह रहा है। मतलब हर मिनट आपको 5 cm इसे खींचना है, वो मशीन ऑटोमेटिकली करेगी। मतलब इसकी स्पीड हमें कितनी रखनी, 50 mm पर मिनट के हिसाब से ये इलोंगेशन इसे खींचा जाएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे मशीन में देखने वाली चीज़ है कि ये खिंचाव तो हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है। ये स्केल क्यों बना हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से पूरा स्केल बना हुआ रहेगा। तो स्केल का पर्पज़ क्या है, स्केल का पर्पज़ है कि यही आपको बताएगा कि भाई खिंचाव कितना हुआ, किस पॉइंट तक खींचने के बाद ये टूटा है। हमें ब्रेकेज पॉइंट ही तो चाहिए, जो हमारी इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट ये थी। अब जो हमारी ब्रेकेज पॉइंट होगी जहाँ पे वो टूट जाएगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पतला हो के कहीं से तो टूटेगा, वो पॉइंट हमें यहाँ से पता चलेगा, इसलिए वो स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन कौन सा था, एक तो टेम्परेचर कितना रहेगा हमारा बिटुमिन मेल्ट करने का, टेम्परेचर 75 degrees to 100 degrees Celsius या 105 degrees Celsius। उसके बाद रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है उसे, उसके बाद वाटर बाथ करना है, वाटर बाथ का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 25 degrees Celsius to 27 degrees Celsius, टाइमिंग 30 to 40 minutes। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये प्रोसेस तो कॉमन हो गया, प्रोसेस आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट, इलोंगेशन हो रहा है, चल रहा है, पर मिनट 50 mm खींच ही रहे हैं हम लोग, 50 mm के हिसाब से खींच रहे, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं कि क्या होता है। जो हमें चाहिए वही होगा। अब देखो भाई स्टेप 12 में क्या हो रहा है, नोट द डिस्टेंस एट विच बिटुमिन थ्रेड ब्रेक्स, मतलब कि हमें वो डिस्टेंस मेजर करनी जिस पे ये बिटुमिन का जो शेप है वो डिफॉर्म हो गया मतलब ब्रेकेज हो गई। और ठीक है, यहाँ से ब्रेकेज चालू होगी, कहीं ना कहीं पे ब्रेकेज होगी, मतलब दो पार्ट में टूट जाएगा, कट जाएगा। तो ये तो हमें वो रीडिंग हमें नोट करनी, इनिशियल रीडिंग, ये हमारी फाइनल रीडिंग हो गई। अब इस टेस्ट को हम 3 बार परफॉर्म करेंगे, हम ऑलरेडी 3 बार परफॉर्म कर ही रहे हैं इसे, 1 2 3 3 बार परफॉर्म किए। हमेशा मैं आपको बताया हूँ, कोई भी हम लैब टेस्ट करते हैं एज अ सिविल इंजीनियर, किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड में जब हम कोई भी लैब टेस्ट करते हैं तो हम सिंगल टेस्ट नहीं करते, हम एटलीस्ट 3 टेस्ट करते हैं ताकि हम उसका मीन एवरेज निकाल सके, ताकि हमारी जो वैल्यू आएगी वो काफ़ी एक्यूरेट आएगी अगर आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे। 3 बार टेस्ट परफॉर्म किया क्यों, ताकि हम एवरेज वैल्यू निकाल सके। अब हम बात कर लेते कि इसकी ज़रूरत क्या, यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया प्रोसेस, हमने इनिशियल और फाइनल रीडिंग हमने नोट कर ली, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है उसमें आप जब टेबुलेशन करेंगे, जब आप अपने चार्ट में टेबुलेशन करेंगे, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, डक्टिलिटी बी माइनस ए, मतलब इनिशियल फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आपको ये एक्सेस भी मिल जाएगा, पूरा 3D मॉडल का एक्सेस आपको मिल जाएगा, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा। तो एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था इस बीच में, एक हमारे साथ जुड़े हैं परम महाराज धीराज, ओके, मुझे लगा कोई क्वेश्चन आया होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ बताइए। तो मैं आपको बताने वाला था कि हम
परफॉर्म क्यों करते हैं, डक्टिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। मैं हर अपने लाइफ के लास्ट में आपको बताता हूँ कि उसका पर्पस क्या है, क्योंकि अगर पर्पस ही नहीं पता हमें कि करने का, तो मतलब नहीं है उसे करने का। तो डक्टिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने का जो हमारा पर्पस है वो ये है कि बिटुमिन की क्वालिटी क्या है, बिटुमिन में कुछ किस ग्रेड का हमारे पास बिटुमिन आया है, उसे किस एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या वो बिटुमिन में कोई इम्प्योरिटीज मिली हुई है, क्या कुछ एडिटिव मिला हुआ है, क्योंकि बिटुमिन अपने आप में काफ़ी एक महंगा मटेरियल है। हो सकता है कि उसमें अगर हम इम्प्योरिटीज मिला है उसका मास बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ताकि वो हमको सस्ता पड़े, तो ये सब टेस्ट से वो हमें पता चल जाता है। क्योंकि अगर इम्प्योरिटी होगी तो वो ज़्यादा खिंचाव नहीं होगा, इलोंगेशन नहीं होगा, पहले टूट जाएगा। क्वालिटी हमें पता चल जाएगी कितना खिंचाव हो रहा है, तो किस जगह पे हमें यूज़ करना है, हाई ट्रैफिक वाले एरिया में, लो ट्रैफिक वाले एरिया में, ये सब हमें डिटरमाइन करने के लिए हम डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लिस मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पे आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं, तब तक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, फिर हम ये लाइव एंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो हमारा मोल्ड था, ब्रास का मोल्ड था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रास के मोल्ड में हमने ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन का मिक्सचर बनाया, दोनों का पेस्ट बनाया, फिर मोल्ड को हमने डिसअसेंबल किया। डिसअसेंबल क्यों किया, ताकि हम वो जो ग्लिसरीन का मिक्सचर है वो उस पर अप्लाई कर सके। उसके बाद हमने बिटुमिन लिया, हीटर के ऊपर प्लेस किया, एक पैन के ऊपर उसे मेल्ट किया। अगर कोई इंप्योरिटीज होती है तो उसे हम आईएस सीफ के थ्रू निकालते, उसे प्योर बनाते। उसके बाद हमने मोल्ड में पोर किया, उसे उसको उस शेप में डाला रूम टेम्परेचर में, एक घंटे तक या आधे घंटे तक हम उसे रूम टेम्परेचर में कूल होने दिए, कूल डाउन होने दिए। एक बार वो हो गया, उसके बाद में हमने वाटर बाथ किया। वाटर बाथ का टेम्परेचर 25-27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 30-40 मिनट तक आपको वाटर बाथ में रखना है उसे। नेक्स्ट स्टेप में हमने अपने मशीन में उसे फिट किया। मशीन में फिट करने से पहले उसके साइड्स हमने निकाल दिए, दोनों तरफ को क्लैंप अच्छे से लगाया। उसके बाद हमने मशीन स्टार्ट करी और उसका इलोंगेशन कितना करना है हमें, 50 mm पर मिनट के हिसाब से उसको खींचना है, और उसके बाद में तब तक खींचते जाना है जब तक कि उसका जब तक कि वो ब्रेकेज पॉइंट नहीं आ जाता, जब तक कि वो दो पार्ट में ब्रेक नहीं हो जाता, और दोनों रीडिंग हमें नोट करनी है। और ये टेस्ट हम 3 बार परफॉर्म करेंगे या 3 सैंपल पे परफॉर्म करेंगे, और सारा जो हमारा डेटा है उसे हम यहाँ पे टेबुलेट करेंगे। तो आई होप आपको पूरा ये समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज़ मुझे चैट में लिख कर बताइए। फील्ड में बीटी कंटेंट कैसे चेक करेंगे, देखो सर जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी साइट है, अगर एक अच्छा स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहा है, अगर बिटुमिन का काम हो रहा है, तो हर एक फील्ड में आपका लैब टेस्ट अलग से रहता ही है। जो भी आपका मटेरियल आता है, लैब का एरिया अलग बना होता है। ये सिर्फ मैं हाईवे के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपका बिल्डिंग रिलेटेड कोई भी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है, साइट पे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हर एक जगह पे हमारा ऑन साइट एक लैब रहता है और एक लैब आपकी कंपनी की अलग से रहती है। ऑन साइट भी चेकिंग होती है, पहले भी चेकिंग होती है। ऑन साइट जो मटेरियल आते हैं उसके अलग टेस्ट होते हैं, जो आपको टिकेश सर बताएंगे कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो हर रोज 6 बजे आप लाइव के लिए बने रहिए हमारे साथ। और कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आया होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हर नेक्स्ट सेशन में। हर रोज हमारा 6 बजे लाइव सेशन होता है, हमारे साथ जरूर जुड़िए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते मैं बस आपको बोलना चाहूंगा कि करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। अंटिल देन, थैंक यू।